गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर केवल 37 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,407 पहुंच गया है। इनमें से 18,673 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 315 ही है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 419 रह गई है। लगातार तीसरे दिन भी एक्टिव केसों की संख्या 500 से नीचे आ रही है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जांच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जांच लगातार की जा रही है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 16 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 4-4 मरीज शामिल है। इसके अलावा रामगढ़ताल में 1, कोतवाली और राजघाट में 2-2 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 नए मरीज मिले हैं। इसमें भटहर, ब्रह्मपुर और सहजनवा में 1-1, खजनी और पिपराइच में 2-2, चरगावा में 8 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 6 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आने वाले दिनों में धनतेरस, दीपावली, छठ जैसे त्योहार पड़ रहे हैं, इसमें विशेष सतर्कता बरतने होंगे क्योंकि वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।